थैलीसीमिया मेजर एक रेयर किस्म की डिजीज़ है और मैं पढ़ाई लिखाई मेडिकल की है मेरी, मैं डॉक्टर हूँ तो इसको थोड़ा समझता हूँ इस चीज़ को। तो नया साल मैं इनके साथ मैंने सोचा क्यों ना मनाया जाए, और मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ इस तरीके की चीज़ों से, तो आई थॉट कि इनके साथ सेलिब्रेट करूँ नया साल। बिल्कुल, मुंबई बहुत ही भाग दौड़ से भरी हुई ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपको देती है, और बच्चों के साथ अच्छा ये लगता है, बच्चों में वो प्रेशर नहीं होता, बच्चों में किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता, किसी तरीके की कोई हिडन चीज़ नहीं होती, वो जो भी है खुल के उनके चेहरे पे साफ दिखता है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ। अभी बच्चों के साथ जा रहे हैं हम लोग खाने वाने, तो उसके बाद कुछ दोस्तों से मिलना है और काम मेरा चलता रहता है, तो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा दीज थिंग्स, और हाँ सेलिब्रेट करूंगा दोस्तों के साथ नया साल। 2019 की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको हमेशा याद रहेगी? 2019 मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इनफैक्ट 18 और 19 दोनों साल, बिकॉज लगातार काम करता रहा हूँ बॉम्बे। मुझे लगता है पिछले 1.5 सालों में मैं कुछ 60 या 70 दिन रहा हूँ, और उसमें भी कुछ 30-35 दिन शूट करता रहा हूँ, तो लगातार काम करता रहा हूँ और काम करना मुझे अच्छा लगता है। अब ये मौका आया तो आई थॉट कि बच्चों के साथ नया साल सेलिब्रेट करूँ। 2019 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सारे काम 2020 में रिलीज़ होंगे, तो देखिएगा बाकी ये तो आप लोग तय करेंगे कि कैसा हुआ है। आई ट्राइड माई बेस्ट। आप ऐसी कस्में नहीं खाता कि ये नया साल आया है तो मुझे कुछ ऐसा करना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि किसी अगले हफ्ते कोई ऐसी चीज़ मुझे महसूस होती है जो मैं ये मन बना लेता हूँ कि बस अब इसका आखिरी है, इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, तो मेरे लिए वो जब एहसास आता है कि हाँ ये एक चीज़ है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए और ये एक चीज़ है जिसे मुझे शुरू करना चाहिए, तो ये हमेशा चलता रहता है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि नया साल आया है तो ही कुछ नया करूँगा, नए हफ्ते में भी नया हो सकता है, नए दिन में भी नया हो सकता है, नए घंटे में भी नया हो सकता है। काम की बात की तो आधार और कुछ उसके बारे में? हाँ, ये फिल्में रिलीज़ होंगी अगले 2020 में, तो अभी बहुत जल्दी होगा बोलना। हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि कुछ एज एन एक्टर नया प्रयोग कर रहा हूँ खुद के साथ, और ये उसी का हिस्सा है, तो ये आप तय करिए कि कैसा लगता है। हर किरदार ऐसा है जिसे मैंने पहले नहीं किया है। 2019 में आपकी बहन ने भी उसके बारे में? आई एम सो हैप्पी बिकॉज उसने गेम बहुत पहले छोड़ दिया था, और जैसा हमारे यहाँ होता है हमारे देश में ज़्यादातर लड़कियों के साथ कि जब उनकी शादी होती है तो वो एक नए तरीके की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और उनका खुद का पैशन कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस कर देती हैं अपना घर बसाने के लिए, किसी और का सपना पूरा करने के लिए, और ऐसा ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। मेरी सिस्टर शादी के बाद उसने गेम छोड़ दिया, और वो बहुत अच्छी एथलीट रही है। मुक्काबाज जब रिलीज़ हुई 2018 12 जनवरी, उसने देखी और मुझे उसने ये बोला था कि भैया अगर आप कर सकते हो इतना लंबा संघर्ष करने के बाद तो मैं भी कर सकती हूँ, और ये मैंने ट्वीट भी किया था, तो आई थॉट कि ठीक है कुछ करेगी। बट उसने कंट्री के लिए मेडल जीता, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हार्डली उसने मुझे लगता है उसके बाद से प्रैक्टिस शुरू की, उसका एक बच्चा है और वो उसे लेके ग्राउंड जाती है, और ये करना बहुत प्रेरणा देता है, और मुझे इस बात का पुश मिला है कि अब मुझे और थोड़ा करना है, तो ये आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। किस तरीके का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया। फिल्म के डायरेक्टर हैं शरण शर्मा,
और पूरी टीम बहुत अच्छी है। धर्मा के साथ इस फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और एक अलग तरीके के किरदार को मैंने किया है एज एन एक्टर, कुछ भी ऐसा पहले नहीं किया है। इट वॉज रियली फैंटास्टिक। हाँ, कोई भी चीज़ जो मुझे एक्साइट करती है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसे एज एन एक्टर जी सकूँ और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और हाँ, हर एक्टर चाहता है एक कदम ज़िंदगी में आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूँ एक कदम ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, जो 2019 में किया उससे कुछ बेहतर 2020 में कर सकूँ, ये कोशिश रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर मेरे सभी चाहने वालों को, सभी देखने वालों को, सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके सभी सपने पूरे हों। थैंक यू।